नमस्कार साथियों, सभी को शुभ प्रभात। प्यारे साथियों, आज के सूजस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सूजस बुलेटिन। मोटिवेशनल कोट्स है महात्मा गांधी जी का। प्यारे साथियों, अहिंसा की पहली शर्त है जीवन के हर क्षेत्र में हर तरफ न्याय होना चाहिए, तभी अहिंसा कायम रह सकती है। आज के सूजस बुलेटिन में क्या खास है? प्यारे साथियों, एक चेंजमेंट किया गया है सूजस बुलेटिन में। क्या परिवर्तन किया गया है कि आपको मिलने वाला है एक तरफ आज के सूजस बुलेटिन में क्या आया ब्रीफिंग न्यूज, और उस न्यूज से जुड़ा हुआ यहां पर आपके बीच एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से पूछा जाने वाला कंटेंट भी आपको साथ में प्रोवाइड करवाया जाएगा। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर, आप लोग पत्रिका को पढ़कर हमें एनालिसिस करते हो, क्यों ना उसके साथ उससे जुड़े हुए फैक्ट भी आप हमसे साझा करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वो फैक्ट साझा करने के लिए प्यारे साथियों आज से इस नया प्रोग्रामिंग की शुरुआत की जा रही है। आप लोगों को पसंद आएगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में प्यारे साथियों का कहा गया है कि संगठित अपराधियों के विरुद्ध क्या चलाएंगे हम लोग, विशेष अभियान चलाने वाले, यानी ऐसे अपराधी जो क्या एक तरह से, ये समझिए आप गाँव की भाषा में, ग्रामीण भाषा में हम लोग कहते हैं ना गैंग, वो गैंग है ना, जैसे एक गैंग है उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनके विरुद्ध हम लोग क्या चलाने वाले, विशेष अभियान चलाने वाले। और ये गैंग बने हुए ना पर्टिकुलर लोकल एरिया के हिसाब से गैंग होते, जैसे मारवाड़ का अलग गैंग है, ढूंढाड़ का अलग गैंग है, मेवात का अलग गैंग है। तो ये गैंग सक्रिय है ना, इन गैंगों को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, विशेष अभियान चलाने वाले। और आप लोग देखते हो साइबर अपराध पर हम लोग क्या करने वाले, कार्रवाई करने वाले। अब साइबर अपराध की आप लोग घटनाएं सुनते रहते हो प्यारे साथियों अखबार में, और रोजाना देखते हो धोखाधड़ी, बैंक से आया फ्रॉड कॉल, उन्होंने मांगा ओटीपी और उन्होंने ओटीपी बताया हम बैंक से बोल रहे हैं और आप लोग ओटीपी बताइएगा, आपका खाता बंद होने वाला, आप ओटीपी बताइए जैसे खाता साफ। प्यारे साथियों ऐसे आप फ्रॉड कॉल आते रहते हैं, उन पर क्या करने वाली है सरकार, कार्रवाई करने वाली है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं उन पर भी सरकार सख्ती से बरतने वाली है, क्योंकि प्यारे साथियों अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में राजस्थान की स्थिति काफी नाजुक है क्योंकि साइबर क्राइम में बहुत ज्यादा और अपराध में भी प्यारे साथियों राजस्थान का। अब देखिएगा वे पुलिस विभाग से समीक्षा हुई है तो पुलिस विभाग से जुड़ी हुई जानकारियां आपके बीच साझा करने का मैं प्रयास करूंगा प्यारे साथियों, और मैं उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है लाइक शेयर अपने दोस्तों तक कर दीजिएगा। राजस्थान पुलिस, प्यारे साथियों राजस्थान पुलिस का मुख्यालय है आपके जयपुर में। राजस्थान पुलिस भारत के राज्य की नागरिक सेवा है, बिल्कुल राजस्थान राज्य की, जैसे भारत में क्या है पूरे भारत में हर राज्य में एक राज्य पुलिस नागरिक सेवा है, उसमें प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान पुलिस के ध्येय वाक्य की, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास इसका ध्येय वाक्य है। यहाँ से भी एक अच्छा सवाल बन सकता है कि राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास है। प्यारे साथियों इसका मुख्यालय जयपुर में, इसकी चर्चा कर ही चुके प्यारे साथियों। 16 अप्रैल को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान राज्य में कितने पुलिस रेंज है, 8 पुलिस रेंज है प्यारे साथियों, 38 पुलिस जिले। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा बोलो सर जिले तो 33 ही है, परंतु प्यारे साथियों यहाँ पर पुलिस के हिसाब से, पुलिस जोन के हिसाब से प्यारे साथियों यानी राजस्थान को कितने जिलों में बांटा गया है, 38 पुलिस जिले हैं भाई, ध्यान रखना। उसी प्रकार जैसे आप लोगों के संभाग कितने 7 है परंतु शैक्षिक संभाग 9 है, उसी प्रकार से जिले 33 है परंतु पुलिस जिले कितने 38 है, एक अच्छा प्रश्न हो सकता है प्यारे साथियों। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रथम पुलिस निरीक्षक की बात करता हूं मैं, आर बनर्जी थे और वर्तमान में ML लाठर है भाई। कौन है ML लाठर है? कल परसों के सूजस बुलेटिन में हम लोगों ने इसका चर्चा किया था। लाठर जी वर्तमान में क्या है, राजस्थान पुलिस महानिदेशक, ठीक है महानिरीक्षक है। अब 7 अप्रैल को इन्होंने पदभार संभाला था, 7 अप्रैल 1949 को। प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान पुलिस सेवा का गठन, इसका गठन होता है January 1951 में गठन होता है प्यारे साथियों, और इसकी स्थापना होती है 16 अप्रैल को, तो इसलिए राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। आज के सूजस बुलेटिन में पहली खबर थी आपके लिए। अब आ जाए दूसरी खबर पर प्यारे साथियों। सूजस बुलेटिन में दूसरी खबर क्या है, चिकित्सा सेवाओं में क्या मिलने वाला है। राजस्थान बन गया भाई मॉडल स्टेट, आप लोग देख रहे हो राजस्थान में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवाएं, बिल्कुल जैसा कि मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ बहुत शानदार लाजवाब आपके कमेंट आ रहे हैं, ऐसे प्यार रोशनी बनाए रखिएगा, सेशन के अंत तक जुड़े रहिएगा। शिक्षा सेवाओं में विस्तार, राजस्थान क्या बन गया भाई मॉडल स्टेट बन गया। गांधी जयंती आपको पता है 2 अक्टूबर को है। राजस्थान ग्राम सभाओं में चिरंजीवी योजना की क्या दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, चिरंजीवी योजना की जानकारी दी जाएगी प्यारे साथियों। अब आपको पता है चिरंजीवी योजना, इसमें प्यारे साथियों क्या होता है, निःशुल्क इलाज किया जाता है। पहले क्या था, भामाशाह था ना, उसी प्रकार ही अब क्या हो गया, चिरंजीवी योजना हो गया, ऐसे समझिएगा कुछ देर के लिए। राजस्थान हेल्थ मॉडल बन गया है,
राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा प्यारे साथियों। 7% स्वास्थ्य सेवाओं पर, देखिएगा राजस्थान का जितना बजट है ना उसका 7% खर्च किया जा रहा है प्यारे साथियों। किस पर? स्वास्थ्य सेवाओं पर किया जाता है 88%, यानी पूरे राजस्थान की 6,86,00,000 जो 2011 के अनुसार जनगणना थी उसमें प्यारे साथियों 88% लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों, यहाँ पर चिरंजीवी रक्षा योजना आगे और निजी अस्पताल को इसका और देख लो, चिरंजीवी योजना का 21 दिन के अंतर्गत निजी अस्पताल को भुगतान कर दिया जाता है। अब एक नई योजना आई है, नई योजना क्या है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा तो आप लोगों ने खूब पढ़ रखा है, अब आ गया चिरंजीवी रक्षा योजना। तो चिरंजीवी रक्षा योजना को थोड़ा सा समझिएगा, इसमें है क्या चिरंजीवी रक्षा योजना प्यारे साथियों। यहां से एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना का ट्रायल इस वर्ष के 22 जून से शुरू हुआ है। मंगलवार को इस योजना को पूरे प्रदेश में नियमित रूप से शुरू हुई है, यानी मंगलवार प्यारे साथियों, यानी कल ये योजना पूरे प्रदेश में नियमित रूप से शुरू हुई है। अब इसके तहत 1.23 करोड़ रुपए का खर्च 700 पीड़ित लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी निवासी को बिना एफआईआर औपचारिकता इस योजना का प्यारे साथियों 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार किया जाएगा। अब गजब वाला सवाल क्या बनेगा उसको देखिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना में प्यारे साथियों सरकार ने एक योजना चलाई थी, वो योजना थी इसको देखिएगा, इसको देखोगे फिर वो समझ आ जाएगा आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्यारे साथियों एक स्कीम चलाई थी और वो स्कीम क्या थी कि चिरंजीवी रक्षा योजना प्यारे साथियों 16 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत होती है। ध्यान रखना, चिरंजीवी रक्षा योजना की शुरुआत होती है 16 सितंबर 2021 को। बोलो सर यहां से वो 22 जून क्या मसला है इसको समझिएगा। चलिए देखिएगा, इसकी शुरुआत होती है इस योजना के माध्यम से सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और आर्थिक सहायता के साथ साथ इन व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यानी ये योजना शुरू करी गई थी प्यारे साथियों, इस योजना के तहत क्या किया गया था कि माना कि कोई आप जा रहे हो रास्ते से और आपको पता लगा, आप देखते हो कि कोई बाइक से गिरकर, यानी ट्रक और बाइक में होगी एक्सीडेंट, अब आप लोग क्या करोगे, उसको देखा आप लोगों ने, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया तो सरकार के द्वारा उचित प्रोत्साहन राशि दी जाती थी प्यारे साथियों। अब आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो वो प्रोत्साहन राशि क्या थी। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखिए। अब प्यारे साथियों आपने हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा, आपको क्या मिलेगी? सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि मिलेगी और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा क्योंकि आपने किसी की जान बचाई है। अब सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया, इसमें क्या किया गया कि आपको, आपने उसको एडमिट करवा दिया था ये तो योजना उसमें शुरू की, परंतु इसका और बढ़ा दिया गया क्षेत्र। अब चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना प्यारे साथियों इसमें क्या कर दिया गया, अब क्या है कि अगर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, अब आपको कितने दिन तक? 72 घंटे प्यारे साथियों, लगभग 3 दिन तक। इसमें क्या है कि जितने भी पैसे लगेंगे ना वो सरकार वहन करने वाली है, जितने भी पैसे लगेंगे सरकार वहन करने वाली है एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटना में, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बहुत गजब का सवाल बनेगा, क्या इसमें चिरंजीवी योजना का पात्र होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप चिरंजीवी योजना के पात्र नहीं हो और आपका हो गया एक्सीडेंट, आप प्यारे साथियों आपको नजदीकी राजकीय हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है और आप लोगों का वहां 72 घंटे इलाज होगा, जितने पैसे लगेंगे सरकार फ्री होगा, बिल्कुल ना कोई एफआईआर ना कोई और चीज, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये योजना है चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, इसकी शुरुआत प्यारे साथियों 16 सितंबर 2021 को की गई थी। सड़क हादसे में जो इसका सहायता करते थे उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। अब इस योजना में प्यारे साथियों की 72 घंटे तक 22 जून से इसका ट्रायल हो गया है, अब निःशुल्क हो गया और 72 घंटे तक इलाज भी क्या होने वाला है फ्री। आज के दूसरी खबर थी प्यारे साथियों सूजस्यू बुलेटिन में आज की तीसरी खबर देखिएगा, तीसरी खबर क्या है समझिएगा जरा। स्वच्छ वायु बढ़ाएं आयु नील गगन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है प्यारे साथियों 7 सितंबर 2022, ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है आपका 7 सितंबर 2022 को, ठीक है? और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से अच्छा प्रश्न ये बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है? आगे बढ़िएगा, आगे क्या है? ई गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम, और प्यारे साथियों ये जनाधार है। अब यहां से गजब वाला की डीबीटी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना में राजस्थान 4वें स्थान पर है, पारदर्शी तरीके से मिल रहा है योजनाओं का लाभ। अब प्यारे साथियों होता क्या है कि एक प्राचीन समय में आप लोग सुनते थे कि केंद्र सरकार 1 रुपया भेजती है तो जनता तक 25 पैसे ही पहुंचे, परंतु साथियों आ गया डीबीटी का जमाना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वहां पर प्यारे साथियों क्या होता है उसमें राजस्थान को मिला 4वां स्थान। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधा सरकार भेजती है और लेने वाले के खाते में पहुंच जाता है।
अब यहां से प्यारे साथियों अब तक 50,000 करोड़ का हो चुका है स्थानांतरण, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे आपका किसान सम्मान निधि हो प्यारे साथियों, या फिर और भी कोई सरकार के द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधा अकाउंट में आती है। बिचौलियों का झंझट हो गया खत्म। राजस्थान सरकार ई गवर्नेंस के अधिक बढ़ावा देकर प्रदेशवासियों के लिए सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए प्रसारित है। सरकार संवेदनशील और पारदर्शी जवाबदेह सुशासन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। प्यारे साथियों यहाँ पर एक गजब वाला सवाल बनेगा कि राजस्थान को हाल ही में ई गवर्नेंस यानी DBT में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़िए और भाई ये देखिएगा, यहाँ से एक अच्छा प्रश्न आने वाली, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनेगा भाई, छपेगा। उसको ध्यान रखिए क्या छपता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, आपको पता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली उनके याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर हो रहा है क्या प्यारे साथियों, शिक्षकों किया गया सम्मानित, कितने शिक्षक हैं भाई? 46 शिक्षकों को क्या किया गया है, पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनमें 2 शिक्षक है राजस्थान के, एक तो हमारी ये शिक्षक है और ये हमारी शिक्षिका है। अब ये तो कहाँ से है प्यारे साथियों, अब यहाँ से देखिएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति जी, आपको पता है पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। शिक्षक दिवस पर राजस्थान के 2 शिक्षक, एक तो उदयपुर जिले के दुर्गाराम मोवाल है और बीकानेर जिले की सुश्री सुनीता गुलाटी है। तो ये तो है सुनीता गुलाटी, सुनीता गुलाटी हैं, और प्यारे साथियों ये हैं आपके दुर्गाराम मोवाल। ठीक है, अब आपसे यहां से गजब वाला सवाल पूछेगा, इनका जिला भी पूछ सकता है, ये उदयपुर निवासी हैं और ये बीकानेर निवासी हैं राजस्थान के। यहां से युगम का भी सवाल हो सकता है कि निम्न में से कौन से शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनके जिले से भी प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। मोवाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय पारगरिया पाड़ा उदयपुर में पढ़ाते हैं, आदिवासी बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए उनके परिजनों तक पहुंचकर स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया है। उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ जन जागरूकता और बच्चों की तस्करी के बारे में सूचनाएं जुटाकर तस्करों के चुंगल से छुड़ाने का सराहनीय कार्य किया। ये है हमारे कौन है, दुर्गाराम मोवाल प्यारे साथियों, उदयपुर निवासी है, आदिवासी बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया है। जो बच्चे ड्रॉप आउट थे, स्कूल आना नहीं चाहते, तो उनको घर जा जाकर शिक्षा के बारे में प्रोत्साहित किया गया है। छोटे बच्चों को काम पर लगा देते हैं उन माँ बाप को, और जो काम पर करवाते हैं छोटे बच्चों से, उनको भी समझाने का प्रयास किया है प्यारे साथियों। ये है दुर्गाराम मोवाल, ठीक है, और ये पढ़ाते हैं प्यारे साथियों आपके कहाँ पर, पारगिया प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगरिया पाड़ा उदयपुर में, इनका विद्यालय का भी ध्यान रखना, पारगरिया पाड़ा उदयपुर, पारगरिया पाड़ा उदयपुर में पढ़ता है इनका स्कूल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से अच्छा प्रश्न हो सकता है। आगे बात करते हैं सुनीता गुलाटी जी की, ये बीकानेर के राजकीय मूक बधिर विद्यालय में शिक्षिका है। उन्होंने 2017 में एक सामान्य शिक्षक के रूप में विद्यालय में नियुक्ति के बाद मूक बधिर बच्चों के लिए काम करने लगी। एक स्पेशल टीचर के रूप में प्रशिक्षण लेकर स्वयं मूक बधिर बच्चों के विशेषज्ञ के रूप में तैयार किया। उनसे पढ़ने वाले बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रतियोगिता के 3 अवार्ड भी जीते। अब ये क्या है, 2017 में सामान्य अध्यापक बनी थी प्यारे साथियों, यानी ग्रेड 3 में इनका चयन हुआ था। अब ये इन्होंने क्या किया कि मूक बधिर विद्यालय ज्वाइन किया और मूक बधिर विद्यालय में ये पढ़ा रही है वर्तमान में। ये बीकानेर के प्यारे साथियों मूक बधिर विद्यालय में पढ़ा रही है, वहां पर बच्चों को लगातार, और इनके द्वारा जो बच्चे पढ़ाए गए ना उनको क्या मिला है भाई, उन्होंने जो राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी उसमें भी अवार्ड जीते हैं। आगे बात करते हैं, आगे क्या है आज के बुलेटिन में, शिक्षा मंत्री प्यारे साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कल्ला जी ने शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला में क्या कहा, व्यावसायिक और शैक्षणिक शिक्षा का एकीकरण समय की जरूरत है। यानी आपको क्या करना है कि ये समय की जरूरत है, बीडी कल्ला जी ने कहा है प्यारे साथियों, जो कि आपके शिक्षा मंत्री है, मंत्रियों को लेकर भी सवाल पूछ सकता है कि कौन सा मंत्री किस डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, यहाँ से भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, उन्होंने कहा है कि भाई व्यावसायिक और शैक्षणिक शिक्षा को एकीकरण किया जाना चाहिए। बीडी कल्ला जी ने व्यावसायिक और शैक्षणिक शिक्षा को एकीकरण की आवश्यकता बताई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए जो एक कार्यशाला थी उस कार्यशाला में इन्होंने ये बात कही है। यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बन सकता है प्यारे साथियों कि वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री कौन है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्री आपके बीडी कल्ला है। शिक्षा नीति की बात आती है 2020 की, तो भारत की शिक्षा नीति है प्यारे साथियों, जिसे भारत सरकार ने, शिक्षा नीति से सवाल हो सकता है,
गुण 30 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था और ये 1986 के बाद प्यारे साथियों तीसरी शिक्षा नीति 1968 में पहली, 1986 में दूसरी और 2020 में प्यारे साथियों ये तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है और यह शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं आपके कस्तूरी रंगन, अध्यक्षता वाली समिति में रिपोर्ट पर आधारित है, यानी ये आपके वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन, उनके अध्यक्षता में इस शिक्षा 2020 की जो शिक्षा नीति है उसकी अध्यक्षता की गई थी प्यारे साथियों और उसकी देखरेख में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, आगे क्या खास है देखिएगा, नई एमएसएमई और हैंडीक्राफ्ट नीतियां जारी होंगी, राजस्थान सरकार के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। प्यारे साथियों शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर आपके बीच 3 सालों में 210 नए कॉलेज खोले जा चुके हैं। ठीक है प्यारे साथियों, नई अवार्ड नीति आएगी एमएसएमई और हैंडीक्राफ्ट नीति की, जल्द ही जारी होगी प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, आज के सूजसी बुलेटिन में ये कुछ फैक्ट थे आपके बीच जो हम लोगों ने आपके बीच साझा करने की कोशिश की। प्यारे साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप लोग बताइएगा क्या इस तरह का सेशन लाना हमारा आपके लिए ठीक है या फिर हमारा जो पहले ही चल रहा था अखबार यानी जो सूजसी बुलेटिन आता है उसका डायरेक्ट एनालिसिस, या फिर आपके बीच जैसे कि एक तरफ आपका सूजसी बुलेटिन में आया हुआ न्यूज और उसके साथ साथ हम लोग क्या करें आपके बीच उससे जुड़ा हुआ फैक्ट भी बताने का प्रयास करें। अब आप लोग नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि पुराना वाला फॉर्मेट अच्छा था या ये फॉर्मेट चलने दी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सूजसी बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।